आपने तो इतनी तकलीफ की, इतना मजेदार खाना था, मेरी तो साल भर की डाइटिंग खराब हो गई। वो एक्चुअली ना दुआ को आजकल कुकिंग का बहुत शौक हो रहा है, रोज बड़ी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करती रहती है। इसका मतलब है हमारे मैदे दाव पे लगे हुए, आखिर डॉक्टर्स ने भी तो जिंदा रहना होता है ना। रुबीना जी, आज एक बहुत अहम सिलसिले में बात करने आई हूँ मैं। जी वो दुआ ने मुझे आपके आने के बारे में तो बताया था, लेकिन वजह नहीं बताई। हम दोनों की ये ख्वाहिश है कि दुआ को हम आपसे मांग लें। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आपने ये ख्वाहिश की, लेकिन मैं सोचती हूँ कि बच्चों की एजुकेशन में भी काफ़ी टाइम है और फिर इनका हाउस जॉब भी तो है ना। हाउस जॉब की तो आप फिक्र ही ना करें। बहन जी, मेरा भी यही ख्याल है कि बच्चों की तालीम पहले मुकम्मल होनी चाहिए, लेकिन अपनी ख्वाहिश का इजहार करना भी तो ज़रूरी था। आपका शुक्रिया भाई। आंटी, शुक्रिया की बात हम उस वक्त करेंगे जब आप हमें छोटी सी गैदरिंग की इजाज़त देंगी। वो बेटा, एक्चुअली गैदरिंग के लिए फिर काफ़ी टाइम और एफर्ट चाहिए होता है, और मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त मुमकिन होगा। अब हम ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाएंगे, तुम भी कुछ बोल दो। मैं क्या कह सकता हूँ। वो दरअसल मानूर आई हुई है, तो मैं सोच रही थी कि इसके होते हुए एक छोटी सी तकरीब कर लेते हैं, हम घर ही के लोग होंगे। अतिया बेगम, तकरीब को छोड़ो। बहन जी, अगर आप इजाज़त दें तो अभी एक छोटी सी रस्म कर देते हैं। अतिया बेगम बेटी को अंगूठी पहना देती है। भाई, आपने तो इनकार की गुंजाइश नहीं छोड़ी। पहनाओ अंगूठी। लाओ बेटा, अपना हाथ आगे करो। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुबारक हो। बहुत मुबारक हो आपको। बहुत मुबारक हो बहन जी आपको। मुबारक मुबारक हो। कल मैंने एक बड़ा जबरदस्त मैजिक शो देखा, उसमें मैजिशियन ने अपनी गर्लफ्रेंड को सामने बिठाया हुआ और ऐसे ऐसे ट्रिक्स कर रहा था कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। एक ट्रिक में से पता क्या किया, अपना हाथ पीछे लेके गया और एकदम से फूल लेके सामने। कैसा लगा मेरा ये ट्रिक? अभी एक और ट्रिक बाकी है। ये देखो, मेरे हाथ खाली हैं। अगर तुम ये बूझ लोगे इसमें क्या है, तो डॉक्टर फहद शाहिद तुम्हारा हमेशा के लिए हो जाएगा। और अगर ना बता सकी तो फिर तो मेरी हो जाओगी। फिर तो यकीनन इसमें कुछ बहुत खास होगा। तुम्हारे लिए आदम। I love you. क्या ऐसे क्या देख रही हो? अच्छा लग रहा है। क्या? तुम्हारा साथ? साथ देना हमेशा नहीं, लेकिन तुम्हें एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा। वो क्या? कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे और ना ही झूठ बोलोगे। ऐसा सोचती हो मेरे बारे में तुम? भाई, अपने पूरे होश हवास के साथ तुम्हें कबूल करता हूं मैडम।
ये क्या हरकत है? हरकत? हरकत तो हो चुकी है और सब मुझे इस हरकत पर मुबारकबाद दे रहे हैं। बस तुम रह गई थी तो सोचा खुद आके तुमसे मुबारकबाद ले लूं। तुम्हारी फजूल बातें सुनने का मेरे पास कोई वक्त नहीं। वक्त? वो तो वाकई तुम्हारे पास नहीं है। तुम हार गई हो जाला, बहुत बुरी तरह हार गई हो। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि जिसे तुम अपना नसीब समझ रही थी वो मेरा मुकद्दर बन चुका है और मेरे मुकद्दर का नाम है फहद। नहीं समझी? आसान लफ्जों में समझाती हूँ, मेरी और फहद की मंगनी हो गई है। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। मुझे फहद से ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा फहद मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसकी मंगनी हुई भी तो वो मुझसे दोस्ती क्यों करता? मुझे लगता है दुआ झूठ बोल रही है। हाँ चला, तुम फहद से खुद क्यों नहीं पूछती कि आखिर सच्चाई क्या है? तुम्हें भी तो पता चले ताकि कल यूनिवर्सिटी जाकर तुम दुआ का मुंह तोड़ सको। अगर फहद ने कहा ये सब कुछ ठीक है, उसकी मंगनी दुआ से हो चुकी है, फिर क्या करूंगी मैं? फिर तुम्हें फौरन उसे छोड़ना होगा। आप छोड़ सकती है सरमत भाई को, जबकि सारी दुनिया कहती है कि उनका निकाह हो चुका था, वो किसी औरत के साथ रहते हैं। तो तुम्हारी पेपर की तैयारी हुई कि नहीं? कहाँ यार, क्यों? रात को किताबें निकाल के बैठी कि अभी पढ़ूंगी, इतने में फहद की कॉल आ गई। फहद की कॉल आई कब आंख लगी, बातें करते करते पता ही नहीं चला। आहिस्ता बोलो, दुआ सुन लेगी। हाँ तो सुन ले, who cares? डरती वरती नहीं हूँ मैं किसी से। उजाला आ रही है। आती रहे। चला तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। मतलब? मतलब ये कि किसी के मंगेतर से रात रात बातें करना शरीफाना हरकत है। मंगेतर? रोजाना बात होती है मेरी उनसे, सब कुछ सच सच बता दिया है, कोई मंगनी मंगनी नहीं हुई है उनकी। वो मंगेतर है मेरा। अरे देखो जरा, जबरदस्ती का मंगेतर बना रही है, पागल। बिहेवियर सेल्फ उजाला, मंगेतर है वो मेरा। सारी सारी रात तो वो मुझसे बात करते हैं, तुम्हारी कहाँ से मंगनी हो गई उससे? पागल वागल तो नहीं हो गई हो? अच्छा यकीन नहीं आ रहा ना, रुक अभी यकीन दिलाती हूँ। ये देखो देखो देखो, बाहर सिर्फ मेरा है। तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? ये तो मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? हाँ तो क्यों रिसीव नहीं कर रहे थे? मैं उस वक्त प्रोफेसर साहब के साथ था और बात नहीं कर सकता था। प्रोफेसर के साथ बैठे थे या उजाला से बातें कर रहे थे? ये तुम क्या कह रही हो? हालांकि तुम जानती हो कि उस वक्त मैं मसरूफ होता हूँ। हाँ जानती हूँ कि तुम इतने मसरूफ होते हो कि सारी सारी रात उजाला से मैसेजेस और कॉल्स पे बात करते रहते हो ना। तुम्हें यकीनन कोई गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी तो पहले थी, अब नहीं। उजाला ने मुझे आईना दिखा दिया। तुम ये सब क्या कह रही हो? मैंने वो सारे मैसेजेस देख लिए, वो सारी पिक्चर्स जो तुमने उजाला के साथ शेयर की थी। अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा फहद। इनफैक्ट मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुम जैसे इंसान से मोहब्बत की, जिसे ये भी नहीं मालूम कि मोहब्बत किसे कहते हैं। मैं लॉक कर दिया, लॉक नहीं, नहीं। क्या हुआ?
बाद ने ब्लॉक कर दिया है, बाद मुझे ब्लॉक नहीं कर सकता, कुछ मसला हुआ होगा, फोन में मसला हुआ होगा, कुछ सिग्नल्स नहीं आ रहे होंगे, ब्लॉक नहीं कर सकता अभी, नहीं ब्लॉक नहीं कर सकता। मेरा नाम महानूर है, मैं फहाद की बहन हूँ। एक्चुअली मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने के लिए आई हूँ। जी तुम फहाद के बारे में क्या जानती हो? यही कि फहाद और मैं एक दूसरे को चाहते हैं। तुम जानती हो उसकी मंगनी हो चुकी है? मेरी फहाद से इस बारे में बात हो चुकी है और वो मुझे बता चुके हैं ये खबर झूठी है। तो अगर तुम नहीं जानती तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, फहाद ने तुमसे झूठ बोला था, और वो इसलिए क्योंकि फहाद और दुआ के दरमियान कमिटमेंट हुई थी कि वो अपनी एंगेजमेंट को डिक्लेयर नहीं करेंगे। और तुम शायद ये भी नहीं जानती होगी, फहाद दुआ को बहुत मोहब्बत करता है। ये सब झूठ है, फहाद मुझे चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ख्याल है उजाला, वो वाकई मुझसे प्यार करते हैं और बस मुझसे। लगता है तुम्हें ऐसे नहीं समझ आएगी, तुम्हें यकीन दिलाने का एक ही तरीका है, रुको। हेलो माई। फहाद मुझे तुमसे एक बात करनी थी, सच सच बताओ तुम्हारा और दुआ का क्या ताल्लुक है? पता तो है तुम्हें सब कुछ, फिर क्यों पूछ रही हो? दुआ मोहब्बत है मेरी, मंगेतर है मेरी, मेरी बचपन की दोस्त है। तुम तो अच्छे तरीके से जानती हो हम दोनों कितने करीब, कितना चाहते हैं दूसरे को हम दोनों। और उजाला? उजाला की मेरी जिंदगी में कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, लेकिन वो तो कह रही थी कि तुम उससे बहुत मोहब्बत करते हो। अगर वो मेरी कर्टसी को मोहब्बत समझ रही है तो ये इसके दिमाग का फतूर है और कुछ भी नहीं है। सुन लिया? तुम फहाद की कुछ नहीं लगती, कुछ भी नहीं। अपने आप ही के लिए क्या कुछ नहीं किया? यहाँ पे बैठी सारी औरतें इस बात की गवाह हैं। आप जो कहती हैं वो हो जाता। बीबी आप लोग जरा बाहर जाएं। हौसला रखो और सब्र करो, तुम्हारा सब्र ही तुम्हारी सारी मुरादें पूरी करेगा। मुझसे अब सब्र नहीं होता, मैं फहाद के बारे में सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं मरने वाली हूँ। मुझसे बात नहीं करता ना, मेरे मैसेजेस का जवाब देता है, मैं क्या करूँ? कुछ ऐसा करें कि वो फिर से मुझसे बात करने लगे। मैं जानती हूँ, मुझे पूरा यकीन है आपके जादू की ताकत से आज मेरा हो सकता है। और हमें यकीन है
कि तुम्हारा गम और तुम्हारे दिल का दर्द फहद को तुम्हारी तरफ खींच लाएगा। बाज़ औक़ात अमल वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां तक गम पहुंचा देता है। आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी। अगर चिल्ले काटने पड़े चिल्ले काटूंगी। मैं पाके भी कर लूंगी। एक टांग पे खड़े होने का कहेंगी मैं वो भी करूंगी। बस बात भी ना हो जाए बात को मेरा कर दे। सब ठीक हो जाएगा। सलीमा को बोलो। जी अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम सलाम बेटा। आइए बेटा। सब कहाँ हैं? सब बेसुरे अपने कमरे में और अम्मी भी इधर ही कहीं होंगी। बेटा तुम लड़कियों के पास जाकर बैठो, मैं भाई और भाभी को मिलकर आती हूँ। खूबसूरत लगने का ये मतलब नहीं कि इंसान मगरूर ही हो जाए। बहुत प्यारी लग रही हो। शुक्रिया। किसे क्या हुआ? अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक ठीक। कैसी हैं जरा? ठीक है। बैठो। अरे आइए आइए बैठिए। और सब खैर है? रजिया हाँ जरा आप आपको कपड़े और गहने दिखाओ। लो अभी दिखाती हूँ। आओ जाला बेटी आओ। ला शाबाश ला। बस इधर ही बिछा दो। ये कपड़े मैंने अपनी बेटी के लिए खुद फैशन डिजाइनर से डिजाइन करवाए हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये लीजिए। रजिया चूल्हे भी दिखाओ ना। जी मैं अभी लाई। ये माशाल्लाह ये लीजिए। ये रजिया तुमसे किसने कहा था ये सब दिखाने को? मैंने कहा था। अब नहीं अकीला बहन, वैसे तो खैर कोई बात नहीं लेकिन मैं वहमी हूँ। मुझे लगता है कि किसी की नजर लग जाएगी। अब उजाला सबको खाने के लिए लेकर चलो और तुम ये सब चीजें लेकर मेरे कमरे में आओ। जी मैं लाती हूँ। आप लाएं, आप के लिए मैं आती हूँ।
मैं आती हूँ अभी।